ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो या मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो अगर वेल भवान आचरितान धर्मान आस्थितो ग्रहमेधि ब्राह्मणे पूर्वजै शूरै अन्यै च दामकीर्ति भी। सुमावन देव बलि महाराज को कुछ कह रहे हैं और मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। वामन देव कह रहे हैं 15th verse, तुमने भी गृहस्थ ब्राह्मणों अपने पुरखों तथा महान कार्यों के लिए सुविख्यात शूरवीरों जैसे महान पुरुषों के सिद्धांतों का पालन किया है। या पता नहीं इसमें क्यों दिया है ग्रह मेधी भी। नहीं नहीं सही है, धर्मान आश्रित ग्रह मेधी भी। बलि महाराज को बोला कि वामन देव ग्लोरीफाई कर रहे हैं अपने भक्त को, जैसे कभी कभी कृष्ण भगवान अपने भक्तों को प्रशंसा करते हैं और उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। सो, भगवान केवल प्रशंसा ही नहीं मगर आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आपने, बलि महाराज से बोला कि आपने आपने और आपके पुरखों ने हमेशा गृहस्थ ब्राह्मणों की सेवा की है और जैसे भगवान का जो मिशन है गो ब्राह्मण हिताया च, जिस प्रकार भगवान भी गाय और ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं उसी प्रकार आपने भी ये करके दिखाया है। हे दैत्यराज, ऐसे कुलीन एवं मुक्त हस्त दान देने वाले आपसे मैं अपने पैरों के माप की केवल 3 पग भूमि की याचना करता हूं। नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग। सो भगवान प्रशंसा भी कर रहे हैं मगर साथ साथ एक भूमिका भी बना रहे हैं अपना प्लान पूरा करने के लिए। सो इट्स एक तीर से 2 निशाने। सो डिप्लोमेसी भी है प्लस प्रशंसा भी है। सो भगवान अब पॉइंट पे आ गए कि ठीक है तुम बहुत बड़े दानी हो तो मैं तो तुमसे केवल 3 पग भूमि मांगने वाला हूं। तो जब तुमने इतने बड़े बड़े दान कर दिए, तुम्हारे पूर्वज ने दान कर दिए, 3 पग भूमि देने में क्या है। शिला प्रभुपाद पापट में लिख रहे हैं कि भगवान जानबूझ के ऐसा कह रहे थे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि वेल कृष्णा कोई साधारण, वामन देव कोई साधारण बालक तो है नहीं। 3 पग भूमि के छल में भगवान तीनों लोकों को की याचना कर रहे हैं क्योंकि 3 लोक भगवान 3 पग में ले लेंगे। एक्चुअली 3 लोक 2 पग में भगवान ले लेंगे, 3रा पग रखने की जगह ही नहीं होगी। सो बलि महाराज को समझ नहीं आ रहा कि ठीक है भगवान ने कहा मैं 3 चरण नहीं मांगता। भगवान ने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। ऐसा नहीं कि मैं 3 पग भूमि मांग रहा हूं और फिर भगवान ने पूरा यूनिवर्स ले लिया, ऐसी बात नहीं थी। भगवान ने 3 पग ही रखे, पद 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 कहते हैं, 3 पद रखे मगर है पग या पद, ये पग क्या होता है? मैं उसे पग बोल रहा हूं बट पग तो नहीं होता पैर रखना, पग तो ये होता है। ठीक है।
सो पदानी त्रीनि दैतेन्द्र संवितानी पदामवा। सो बलि महाराज इस छल को नहीं समझ पा रहे, भगवान छल भी कर रहे। इनफैक्ट शिला प्रभुपाद ने बोला था कि डिप्लोमेसी खराब नहीं है, छल करना खराब नहीं है। प्रभुपाद अपने लेटर्स में कई बार कोट करते थे, भगवान ने खुद कहा वैसे गीता में, छलम छलियताम अस्मि, कि सारे छलियों की जो छल करने की शक्ति है वो मुझसे ही आ रही है। प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं अपने लेटर्स में षटअष्ठताम, कि जो छल करने वाले हैं उनसे छल करना अधर्म नहीं है। सो भगवान को अधर्म नहीं कर रहे, भगवान बल्कि छल को इस्तेमाल कर रहे हैं सेवा के लिए। सो कुछ चीज खराब नहीं है, जब तक वो भगवान की सेवा में लग रही है उसको खराब नहीं माना जाता। किसी भी वस्तु को कोई भी वस्तु, जैसे हिंसा है, हिंसा वैसे तो खराब है, बट अर्जुन ने भगवान की सेवा के लिए हिंसा की तो ठीक है, डजंट मैटर एनीथिंग। सो भगवान भक्ति में सही गलत कुछ नहीं होता, भक्ति में वही चीज सही है जो भगवान की सेवा को आगे बढ़ाए, उसके अनुकूल है, और वो हर चीज गलत है जो भगवान की सेवा के प्रतिकूल है। बस अब वो बात है कि आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा कि हम किस तरह क्या चीज यूज करें, उसके लिए एक्सपर्टनेस चाहिए। क्योंकि आप अपने मन से कोई भी वस्तु किसी भी तरीके से भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो भगवान ने डिप्लोमेसी करी। सो श्रील प्रभुपाद बहुत डिप्लोमेटिक थे, बाय द वे प्रभुपाद के बारे में फेमस है कि प्रभुपाद बहुत डिप्लोमेटिक थे। प्रभुपाद कभी किसी को कुछ बोल रहे थे, कभी किसी को कुछ बोल रहे थे, लेटर्स में कुछ और कह रहे हैं किसी को, जीबीसी को बाहर से कुछ और कह रहे हैं, मतलब ही यूज टू मैनिपुलेट उनको करना आता था। किसकी क्यों थे डिप्लोमेटिक, क्योंकि भगवान की सेवा आगे बढ़ानी है बस। अगर आप सरल भी हो और सेवक नहीं हो तो वो सरलता बेकार है। जैसे हनुमान जी बहुत डिप्लोमेटिक है। डिप्लोमेटिक कैसे कहेंगे हिंदी में नहीं डिप्लोमेटिक कैसे कहेंगे, छल करना, छल तो ज्यादा हो गया थोड़ा नहीं कुछ और हो सकता है, चलाकी कह सकते हो, चलाकी तो क्लेवरनेस है। एनीवे मतलब दुगलापन समझते हो ना, हाँ बस वही है, वो नेगेटिव वर्ड यूज करना आ रहा था, बाहर से कुछ और हाँ। प्रभुपाद वैसे थे, आपको अगर साधु तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वेल हमें कोई मतलब नहीं सरलता से भी, अगर भगवान के भक्त नहीं है और आप सरल हो तो बेकार है, वो तो मूर्ता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो जीरो है। हनुमान जी बहुत ऐसे, हनुमान जी दोगले, हनुमान जी डिप्लोमेटिक थे बहुत। ही यूज टू, आप वाल्मीकि रामायण पढ़ो, आप उनको पता था किससे क्या बोलना है, कैसे करना है, कैसे भगवान की सेवा आगे बढ़ानी है। मैनेजमेंट में होना भी पड़ता है डिप्लोमेटिक, दोगलापन नहीं, मैनेजमेंट में होना ही पड़ता है। आप किसी को कुछ कह रहे हो मगर जरूरी नहीं आप वो कह रहे हो जो आपके सोच रहे हो, यू हैव टू डू। मतलब बड़े से बड़ा सेंट भी अगर मैनेजमेंट करने पे उतर आया तो उसको डिप्लोमेटिक होना ही पड़ेगा, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। सिंपल बन के आप मैनेजमेंट कर लो, ज्यादा ही सिंपल होते हैं वो फिर मैनेजमेंट नहीं कर पाते। इसलिए जो क्षत्रिय होते हैं उनको ये साइंस सिखाई जाती है, साइंस ऑफ डिप्लोमेसी। ये दोगलेपन की भी साइंस है, और उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स, या पॉलिटिकल साइंस इज साइंस ऑफ डिप्लोमेसी, और क्या, कुछ भी नहीं है, दैट्स ऑल, यही है। किससे कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किसको किस बात से उत्साहित करना है कि वो काम कर दे आपके लिए, यू सी दैट्स पॉलिटिकल साइंस। क्षत्रिय लोग इसमें नीतिज्ञ थे, इसको नीति भी कहते हैं। भंडार मैं से जाओ ना मार्केट में कलेक्शन करने हैं तो 100 रुपए देते हैं या 250, उनको घी का 3 दे दो भाई सेवा में लगाएंगे और 3 दे देंगे कैश में 250। तो बस, तो ये डिप्लोमेसी एक तरह से, मतलब आप किसी तरह
समथिंग या मैनिपुलेटिंग समथिंग, खराब नहीं है, मगर मगर हमारी नेचर स्वभाव में नहीं होना चाहिए डिप्लोमेसी, स्वभाव में दोगलापन नहीं होना चाहिए। वैसे तो हम सरल ही रहते हैं, मगर जब जरूरत है डिप्लोमेसी की तो हम उसको यूज कर लेते हैं। जैसे स्वभाव से तो हम सत्य ही बोलते हैं, कभी कभी झूठ बोलने की जरूरत हो, जरूरत हो झूठ बोलने की, तो हम झूठ बोल देते हैं भगवान की सेवा के लिए। यू सी इट गोज लाइक दैट। सो भगवान ने बलि महाराज को इस तरह बोला कि अब तीन पग भूमि दे। तो बलि महाराज ने कहा ठीक है, हे समग्र ब्रह्मांड के नियामक राजा, यद्यपि आप अत्यंत उदार हैं, जितनी भूमि चाहो मुझे दे सकते हैं, किंतु मैं आपसे अनावश्यक वस्तु नहीं मांगना चाहता। इसी भगवान पॉलिटिक्स में बहुत एक्सपर्ट है, पहले तो उनको चढ़ा दिया आसमान में कि अब दानी है, ये है वो है, सबको दान कर सकते हैं, फिर कह रहे हैं बस तीन पग भूमि चाहिए। सो दैट इज हाउ सिस्टम गोस, मतलब आपको किसी से डोनेशन मांगनी है तो उसका तरीका होता है कि आप उससे, बिजनेसमैन भी ऐसे करते नहीं है, आप बोलो बिजनेसमैन क्या बोलता है, देखो 1000 रुपए की है, कहते नहीं नहीं आपके लिए हम 600 रुपए कर रहे हैं, वो कि 400 रुपए की, पहले तो बढ़ा के ही बोलेगा वो, फिर नीचे लाता है तो कहते हैं हाँ चलो ले लेते हैं। इट गोज लाइक दैट। नहीं, भगवान भी यही कर रहे हैं। बलि ने फिर बोला, बलि महाराज समझ नहीं पाए, तो बलि महाराज कह रहे हैं हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे उपदेश विद्वान तथा वयोवृद्ध पुरुष जैसे हैं, तो भी अभी तुम बालक हो और तुम्हारी बुद्धि अल्प है, अतएव तुम्हें अपने हित का पूरी तरह ज्ञान नहीं है। बलि महाराज प्रभुपाद क्या लिखना, प्रभुपाद एनीवे। सो बलि महाराज समझ नहीं पा रहे, मैं कह रहे हैं अभी तो तुम, चैतन्य महाप्रभु के साथ भी ऐसे ही हुआ, चैतन्य महाप्रभु जब सर्वम भट्टाचार्य से मिलने गए पहली बार पुरी में, तो सर्वम भट्टाचार्य ने, चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन दिए, सर्वम भट्टाचार्य ने कहा कि चैतन्य कि तुमने इतनी जल्दी सन्यास क्यों ले लिया, तुम तो अभी 24 साल के ही हो और इतने यंग और इतने सुंदर हो, तुम्हारा तो फॉल डाउन भी हो सकता है, तो तुमने अच्छा नहीं किया। तो चैतन्य महाप्रभु हंस रहे थे, वो तो खुद ही भगवान है, यू सी द पॉइंट, वो भी नहीं समझ पाया कि वो किसको क्या बोल रहे हैं। सो बलि महाराज ने कहा मैं तुम्हें समूचा द्वीप दे सकता हूँ। बलि महाराज ने कहा तुम तीन पग की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें पूरी कंट्री दे सकता हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मांड के तीनों विभागों का स्वामी हूं। अभी थोड़ी देर में स्वामी नहीं रह जाएंगे बलि महाराज, जस्ट आउट। तुम मुझसे कुछ लेने आए हो और तुमने मुझे अपने मधुर वचनों से संतुष्ट किया, किंतु तुम केवल तीन पग भूमि मांग रहे हो, अतएव तुम मुझे अधिक बुद्धिमान नहीं लगते। सिंह तो मुझे बुद्धिमान नहीं लगते हो। हे बालक, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आता है उसे अन्यत्र कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती, अतएव चाहो तो तुम मुझसे उतनी भूमि मांग सकते हो जितने से तुम्हारा जीवन यापन संबंधी आवश्यकता पूरी हो सके। उन्होंने कहा एटलीस्ट इतनी भूमि तो मांग लो, मतलब 3-4 एकड़ मांग लो, 5 एकड़ मांग लो, अपना खेती वेती करके ले लेना, तुम्हारी शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे आगे जाकर। ही थिंकिंग इन दैट टर्म्स, तीन पग से क्या होगा। एक्चुअली बलि महाराज, मजे की बात है कि इतने बड़े राजा और ये भी नहीं समझ पाए कि ये कोई छल है इसमें, नहीं, क्योंकि कोई बच्चा आ रहा है, पहली बात तो सोचने वाली बात है कि ये बच्चा बलि महाराज से मिला कैसे, मतलब इट वॉज अ बिग, परमिशन लेके आए होंगे कि ये कोई ब्राह्मण बच्चा मिलने आए, ठीक है, हो सकता है बलि महाराज कोई सबको दर्शन दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है इस पॉइंट ऑफ। वैसे पहले राजा नहीं करते थे, ओपन दरबार होता था, हो सकता है ओपन दरबार हो, मगर वो तीन पग भूमि मांग रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनको सस्पिशन हो जाना चाहिए था कि, और यहाँ पे लिखा भी है वामन देव जब आए तो बहुत एफल्जेंट लग रहे थे, कई सूर्य के समान तेज प्रकाश आ रहा था उनमें से, लिखा हुआ है, तो नेचुरली, बट ही कुडंट मेक आउट। भगवान ने अपनी शक्ति से बलि महाराज की बुद्धि ढक दी, That's what he couldn't understand anything. भगवान ने बोला, मगर शुक्राचार्य समझ गया एक्चुअली, अभी आएगा। भगवान ने बोला हे राजन, जिस मनुष्य की इंद्रिया वश में नहीं है
उसे तीनों लोकों में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो कुछ भी है संतुष्ट नहीं कर सकता। फेमस वर्ड्स, नीति शास्त्र में भी आता है, न शक्नुवंति ते सर्वे प्रतिपूर्यतिम निफा। एक लोभी व्यक्ति के लिए पूरी पृथ्वी का धन भी कम है, चाणक्य पंडित, और एक संतुष्ट व्यक्ति के लिए एक एक रुपए भी बहुत है, क्योंकि उसके पास वो संतुष्ट है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। सो उन्होंने कहा कि भाई मैं लोभी नहीं हूं, यदि मैं तीन पग भूमि से संतुष्ट ना हूं तब तो यह निश्चित है कि नौ वर्षों से युक्त सातों दीपों में से एक द्वीप पाकर भी मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। यदि मुझे एक द्वीप भी मिल जाए तो मैं अन्य द्वीपों को पाने की आशा करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, और आप मुझे एक द्वीप देना चाहते हो, मैं संतुष्ट नहीं हूं तो भी तुम होते और द्वीप पाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली वामन देव यहां पर लोभ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक भक्त का सबसे बड़ा गुण है संतुष्टि। भगवान कह रहे हैं मन का सबसे बड़ा गुण है संतुष्टि, रहना बहुत बड़ी वर्च्यू है। इनफैक्ट भक्ति में रहना होता है, भक्ति में वही रह सकता है जो संतुष्ट है। अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो भक्ति में नहीं रह सकते, इम्पॉसिबल है। या जो संतुष्ट नहीं होता वो भक्ति भी अच्छी तरह नहीं कर पाता। इसलिए भक्ति में आके डिवोटी की कोई डिजायर नहीं होनी चाहिए ज्यादा कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम इतने पैसे बना लेंगे। नहीं, भक्ति के बिल्कुल एंटी है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, चैतन्य महाप्रभु का श्लोक था कि संतुष्ट रहना चाहिए कृष्ण सेवा में। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव अशांत, ये कृष्ण भक्त में कोई इच्छा नहीं होती इसलिए शांत होता है। काम क्रोध लोभ में से सबसे खतरनाक है लोभ, काम वासना भी नहीं है, ये शास्त्र कह रहे हैं, भागवतम कह रही है। हमें लगता है वैसे काम वासना बहुत डेंजरस है, रुकावट है, मगर लोभ सबसे खतरनाक है, क्योंकि लोभ आखिरी तक लोभ नहीं जाएगा। काम वासना फिर भी चली जाती है, लोभ नहीं आता। लोग सन्यासी बन जाते हैं, काम वासना खत्म हो जाती है, मगर प्रतिष्ठा का लोभ तब भी नहीं जाता। पूजा लाभ प्रतिष्ठा उसका लोभ बना रहता है, वो नहीं जाता एंड तक। इसलिए वामन देव ने कहा भाई मैं लोभी नहीं हूं, मैं ब्राह्मण हूं। हमने सुना है कि यद्यपि महाराज पृथु तथा महाराज गया जैसे शक्तिशाली राजाओं ने सातों द्वीपों पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया था, किंतु फिर भी उन्हें न तो संतोष प्राप्त हुआ, नहीं वे अपनी आकांक्षाओं को कोई अंत पा सके। वामन देव एग्जाम्पल दे रहे नहीं कि ऐसे भी मनुष्यों को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। बिल्कुल उल्टी फिलॉसफी है। मॉडर्न वर्ल्ड में असंतोष को प्रमोट किया जाता है, नहीं आगे बढ़ो, ये अचीव करो, ये अचीव करो, ये अचीव करो, और वो सोचते हैं कि अच्छी चीज है। मगर हमारी वैदिक सिविलाइजेशन में संतोष को वर्च्यू माना गया है। आजकल संतोष को क्या बोलेंगे लोग? आलसी बोलते हैं, नहीं ये आलसी है, कामचोर बोलते नहीं बोलते हैं? अगर आप बोलो मैं संतुष्ट हूं भाई ठीक है, कहेंगे कामचोर है, आगे नहीं बढ़ना चाहता। बिल्कुल उल्टा है, अच्छी चीजों को गलत बना दिया, गलत चीजों को। इसलिए सोसाइटी तमोगुण में, इसलिए सिटी को तमोगुण में बोला जाता है। हम सारे कॉन्सेप्ट सुनते हैं, जो व्यक्ति आत्मसंयम ही नहीं है वह तीनों लोगों को पाकर भी सुखी नहीं होगा। संतुष्ट रहने के लिए आत्मसंयम चाहिए होता है। जो आत्मसंयम ही नहीं है उसको लोभ रहेगा हमेशा। तो धन का लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ, सुख का लोभ, मुझे और सुख मिल जाए, मैं और सुखी हो जाऊं, वो कभी हैप्पी नहीं हो सकता। एक लोभी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो सुख के पीछे भाग रहा है और सुख लेने की टेंशन रहेगी, सुख बढ़ाने की तो टेंशन रहेगी, तो सुखी कैसे रहेगा? ये पूरा लॉजिक समझ गए ना। लोभी व्यक्ति सुख बढ़ाने की इच्छा लग रहा है, मगर सुख बढ़ाने की उसको टेंशन हो जाएगी, तो फिर सुख गायब हो गया वहां पर। सो इसलिए ऐसा लगता है कि वो सुखी है, मगर एक्चुअली सुखी नहीं है लोभी व्यक्ति। ऐसा लगता है उसके पास बहुत कुछ है, मगर एक्चुअली सुखी नहीं है वो। सो बिल्कुल उल्टा चलता है उसके अंदर। भौतिक जीवन काम इच्छा की पूर्ति एवं अधिक धन पाने की इच्छा में असंतोष उत्पन्न करता है। बारम्बार
जन्म मृत्यु से पूर्ण भौतिक जीवन के बने रहने का यही कारण है। भगवान कह रहे लोभ ही कारण है सब कुछ, किंतु प्रारब्ध से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहने वाला मनुष्य इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने की योग्य है। एग्जाम्पल दिया जाता है भागवतम में, मतलब इस तरह संतुष्ट होना चाहिए जिस तरह अजगर होता है। ये सुना श्रीमद भागवतम में बोला अजगर वृत्ति, नहीं सुना अजगर वृत्ति? तो अजगर क्या करता है, अजगर अजगर हंटिंग पे नहीं जाता। सारे एनिमल्स हंटिंग पे जाते हैं, अजगर नहीं जाएगा। शेर भी शिकार करने जाएगा, जो जंगल का राजा है, अजगर वहीं पड़ा रहता है। कोई शिकार आता है तो उसको पकड़ लेगा, वरना कई दिनों तक वहीं पड़ा रहेगा, हिलेगा नहीं। सो अजगर वृत्ति कहते हैं आराम से। सो इस तरह संत होते हैं। ठीक है, अपना भजन करो, थोड़ा बहुत काम करो, ऐसा काम मत करो जिसमें 24 घंटे आपका दिन के लग जाए। यू हैव टू चूज, यू हैव टू चेंज योर वर्क। अपना अपना या तो चेंज कर लो या कम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली पता है, वैसे मतलब ये तो फर्स्ट हैंड मेरे साथ ही एग्जाम्पल है। मतलब मेरी मदर की मेरे मदर का हॉस्पिटल दिल्ली में है, था मतलब बहुत बड़ा हॉस्पिटल, तो और क्लिनिक भी थी। तो मैंने अपनी मदर को बोला आप हॉस्पिटल बंद कर दो। तो मेरे फादर ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब तो लड़ाई हो रही। तो मैंने कहा देखो आप भक्ति करो, मतलब कोई फायदा तो है नहीं ये सब करने का। आप इतने टेंशन में हो, पैसे कमा रहे हो मगर यूज भी नहीं कर पा रहे। मतलब मैं तो ऐसा बन गया, मेरे को तो कोई जरूरत ही नहीं है। और मेरा ब्रदर वो अमेरिका में, वो अपना सेटल्ड है, आप कमा किस ले रहे हो? तो खुद उन्हें समझ नहीं आई उन्होंने। तो फिर धीरे धीरे उनका लॉजिक ये आया कि भी बंद कर देंगे तो फिर तो खत्म हो जाएगा बिजनेस, नहीं क्योंकि क्योंकि वो कह रहे हैं भी अगर थोड़ा भी कम करेंगे तो खत्म हो जाएगा। यूसी ये लॉजिक होता है। तो उन्होंने कहा या तो जीरो होगा या हम इतना करेंगे। तो मैंने आप चिंता मत करो, आप कम करो और भक्ति करो, भगवान भी तो हैं, आप करके देखो। तो फिर 2-3 साल तक कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने एक दिन लेटर लिखा अपनी मदर को कि अगर आप नहीं कर रहे बंद तो फिर हम लोग अगले जन्म में मिलेंगे, टाटा बाय बाय। अगर अगला जन्म होगा तो ये जन्म में भूल जाओ फिर आप, क्योंकि जब भक्ति नहीं कर रहे तो आप भक्ति नहीं कर रहे तो मिलने का फायदा है क्या? मतलब जो भक्त नहीं है उससे हम क्यों मिले, हमें क्या लेना देना है? माँ बाप हैं जो भी हैं, करोड़ों माँ बाप हो गए जीवन में। जैसे मेरी मदर को मिला, मतलब ऑफकोर्स फीमेल थोड़ी इमोशनल होती है नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करके अगर हो जाएगा काम तो हो जाएगा। फीमेल्स आर लाइक दैट, और एस्पेशली मदर नहीं। सो मैंने लिखा तो वो तो मतलब वो तो उनको शी वॉज लाइक टेकन अबैक। तो उन्होंने स्टेप ले लिया, उन्होंने कहा अभी मैं बंद कर रही हूँ, फादर तो कह रहे थे बंद कर रही हूँ। तो बंद हो गया नर्सिंग होम बंद, और सिर्फ एक क्लिनिक रह गई वहाँ पे छोटी क्लिनिक, मगर प्रैक्टिस कम नहीं हुई समाओ, बल्कि प्रैक्टिस बढ़ गई। तो वो लोग सरप्राइज थे, ऐसा कैसे हो गया, हम तो बिल्कुल उल्टा सोच रहे थे। तो टाइम भी बढ़ गया और प्रैक्टिस भी नहीं कम हुई। यू सी, टाइम भी भक्ति के लिए मिल गया। सो हम लोग अपने आप सोच साच के अपने जीवन बर्बाद कर देते हैं। सो बिजनेस क्या है, बिजनेस आप थोड़ा कम कर लो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। वो क्या है, जिसके साथ भगवान है उसका कोई बिगाड़ सकता है कुछ? कोई नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, बड़े बड़े लोग तो पता नहीं क्या क्या कर गए। प्रहलाद महाराज तो जहर तक पी गए, है नहीं, वो तो हाथी के नीचे कुचलवा दिया। पढ़े भागवतम, पढ़िए नहीं पढ़िए, सबने पढ़ी है? कुछ नहीं पढ़ी आप लोगों ने, कहाँ पढ़ी है? अप्लाई करोगे तो पढ़ी है, कहानी पढ़ने से क्या होता है, पढ़ना कुछ और होता है। प्रहलाद को फेथ था, कुछ नहीं हुआ, सब फेथ पे है। फेथ, अगर फेथ नहीं है तो आप जो कर रहे हो उसका कोई फायदा भी नहीं है। समझे नहीं समझे? जब श्रद्धा ही नहीं है तो फिर पॉइंट ही क्या है कुछ करने का। सो इसलिए ऐसा काम करो जिसमें आधा टाइम वेस्ट ना हो, और
अगर आप चेंज नहीं कर सकते काम तो कम कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चीज़ें हो जाएंगी, हो जाती चीज़ें। अगर भगवान की शरण लेंगे तो भगवान आपके लिए रास्ता बनाएंगे, वो बनाते हैं रास्ता। हो सकता है हम अपनी छोटी बुद्धि से कैलकुलेट ना कर पाए कैसे होगा, हमें लगेगा नहीं ऐसे ही होगा और कोई रास्ता ही नहीं है। वेल, भगवान के पास हजार रास्ते हैं, एक नहीं है, मगर हमें अभी एक भी नहीं दिखाई दे रहा। सो अब फ्री हैं, बंद कर दिया, वो भी फ्री हो गई। तो मेरे फादर ने जो, ये तो बड़ी अच्छी है, उन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली। जब कुछ ना करने सब कुछ हो रहा है तो मैं भी छोड़ देता हूँ। वो भी आराम से बैठे तो खुश है, सेम लाइफ गोइंग ऑन, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली सेम लाइफ। मगर जो मेरे चाचा है, मैंने उनको भी बोला था आप भी कम कर दो, उन्होंने नहीं किया। और फिर मैं ये, एक नर्सिंग होम, दूसरा नर्सिंग होम, ये वो काम चलता रहा। और फिर एक दिन मुझे न्यूज़ मिली, ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज पता है ना, अब वो पैरालाइज्ड है, जस्ट मे बी 55 ईयर्स पूरे पैरालाइज्ड है पड़े हुए। ऐसा भी हो सकता है, मतलब इतनी टेंशन लेने का फायदा ही क्या कि एक दिन आप बेड पे पड़े रहोगे, क्या करोगे आप, क्या करोगे पैसों का, खाओगे क्या? तो ठीक है, अगर आपकी दुकान खुली है एक घंटा पहले बंद कर दो, क्या होगा, थोड़े कस्टमर ही तो कटेंगे और क्या होगा, कुछ नहीं होगा उससे। या इट डजंट हैपन लाइक दैट, भगवान चाहेंगे तो सारे कस्टमर आपके पास ही आ जाएंगे। फिर भी नहीं चाहेंगे तो खोल के बैठे रहा पूरी रात, तब भी कोई नहीं आया। सो है कुछ तो शक्ति काम कर रही है ना, या सिर्फ हमने अपनी दुकान खोली है, मैं हूं, दुकान है, राजपुरा है, और बस, डजंट गो लाइक दैट। तो मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, नहीं तो वरना मैं कितने डिवोटी से मिल चुका हूँ पूरे वर्ल्ड में। और जिसको भी मैंने सजेशन दिए, महाराज भी ये बोलते, गुरु महाराज भी, और जो भी फॉलो करता है उसकी लाइफ बहुत सिंपल हो चुकी है और खुश है आज, और उतना ही चल रहे है उसकी लाइफ, दे आर हैप्पी। सो भगवान ने ही बोला, प्रारब्ध में जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहने वाला मनुष्य इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने के योग्य है। संतुष्टि स्थाने सिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर, जहां हो वहां संतुष्ट रहो। प्रारब्ध से जो कुछ भी, पता है प्रारब्ध की अपनी वैल्यू होती है, अगर प्रारब्ध में नहीं होगा और अब जोर जबरदस्ती करके आता कमा भी लो, अब यूज नहीं कर पाओगे उसको, देखना आप यूज नहीं कर पाओगे उसको। हो सकता है आप जोर जबरदस्ती करके, हो सकता है आपके प्रारब्ध में 100 रुपए हैं मगर आपने ज्यादा मेहनत करके 1,00,000 रुपए कमा लिए, तो सिर्फ 100 रुपए यूज कर पाओगे आप, बाकी पैसे कहीं ना कहीं निकल जाएंगे, या बीमारी में निकल जाएंगे, या कोई और लेके चला जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, देखना। तो फायदा ही क्या ज्यादा मेहनत करने का, बिल्कुल मेहनत नहीं करोगे तो वो भी गलत है, सम वर्क यू हैव टू डू कुछ कमाने के लिए, क्योंकि प्रारब्ध तो होता है बट अपने आप चीजें आपके पास नहीं आती, सब मेहनत करनी पड़ती है। सो उतनी मेहनत करो जितना काफी है, बस दैट्स ऑल, उतना आ जाएगा, वरना यूज भी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। सो प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण का आध्यात्मिक शक्ति में प्रभुत्ता निरंतर बढ़ते रह जाता है, किंतु असंतुष्ट ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती जाती है। अगर हम समय नहीं बचाएंगे और संतुष्ट नहीं रहेंगे और पूरे दिन हम काम करते रहेंगे, थके रहेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर ना भक्ति हो पाएगी और आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो जाएगी, आपका मन ही नहीं लगेगा ना, थके हो क्या करोगे आप, दिल्ली में जाओ, गुड़गांव जाते हैं लोग, नहीं 3 घंटे जाना, जतिन जाता था, क्या हालत थी, नहीं मैं वहीं वहीं शिफ्ट हो गए थे। जो जाते हैं आप देख लो, भूत बन जो जाते हैं आके क्या करेंगे, चैंटिंग क्या करेंगे, कोई चैंटिंग होगी नहीं, नहीं हो सकती चैंटिंग, और सुबह फिर थक के फिर से उठ के फिर जाना होता है, ना चैंटिंग ना रीडिंग, मतलब इट्स हॉरिबल हॉरिबल लाइफ। बस जाते हैं, चेंज भी कर सकते हैं वो, मगर चेंज करते नहीं,
because they don't have priorities in life. उसकी छीन छीन होती जाती है, जिस प्रकार पानी छिड़कने से अग्नि की ज्वलन शक्ति घटती जाती है. सो लोभ पानी की तरह, और आप छिड़कोगे अग्नि पे तो अग्नि धीरे धीरे कम हो जाएगी. आपकी शक्ति, आपका समय बर्बाद हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. वामन देव कह रहे हैं, यू सी ही इज सेइंग, हे राजन, दानियों में सर्वश्रेष्ठ आपसे मैं केवल 3 पग भूमि मांग रहा हूं. इस दान से मैं अत्यधिक प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि सुखी होने की विधि यही है कि जो नितांत आवश्यक हो उसे पाकर पूर्ण संतुष्ट हो लिया जाए. बस कहते हैं ना, क्या कहते हैं, उतने पैर पसारो, क्या कहते हैं उसको, जितनी चादर है बस खत्म हो गया. जो मिले थोड़ा सा मिले संतुष्ट हो जाओ, रोटी कपड़ा मकान मिल गया संतुष्ट हो, ठीक है, काफी है, दैट्स ऑल, डजंट मैटर. Don't work much. क्या है? क्या है? पेटे पाँव पसारी? तेते पाँव पसारी, जितनी लंबी सोर. ये कहावत है, तेते पाँव पसारी, जितनी लंबी सोर. ठीक है, हिंदी में. It's a beautiful saying and very important saying. So you have to figure out how to do that in your life. Just figure out. Don't waste time. समय वापस नहीं आएगा, भगवान भी आपके लिए समय वापस नहीं ला सकते. एक एक सेकंड जाता जा रहा है, धीरे धीरे समय खराब होता जा रहा है. और बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है स्पिरिचुअलिटी में. इस माइंड को कंट्रोल करना आसान थोड़े ना, ये तो पागल हाथी है ना. सो यू नीड ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, तब जाके ये कंट्रोल में आता है. सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, वामनदेव ने तो अपना प्रपोजल रख दिया. जब बलि महाराज से भगवान ने इस प्रकार बोला तो बलि हंस पड़े और उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, अब जो इच्छा हो प्राप्त करो. बलि बनाने कहा, चलो ठीक है, वैसे तो ये अब ये मान ही नहीं रहा लड़का, तो ठीक, अब फंस गए वो. उन्होंने बोल दिया ठीक है. वामनदेव को इच्छित भूमि देने से अपने वचन का संकल्प करने के लिए उन्होंने अपना जलपात्र उठाया. पहले दान करने के लिए देखा होगा ना अपने पिक्चर में, जल दान करते थे ना, जल करके करते थे, मैंने तुम्हें दान दिया. सो उन्होंने उठा लिया, मगर इसमें एक प्रॉब्लम है. भगवान विष्णु के प्रयोजन को जानते हुए विद्वानों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने तुरंत ही अपने शिष्य बलि से, जो भगवान वामन देव को सब कुछ देने जा रहे थे, इस प्रकार का शुक्राचार्य समझ गए कि ये तो कोई छल है, ऐसा हो ही नहीं सकता. ये कितना तेजस्वी बच्चा, 3 पग भूमि मांग ले और ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, हाई फाई बातें. अब बलि महाराज कह रहे हैं कि तुम तो अभी बुद्धिमान नहीं हो. बलि महाराज ही कौन रियली गेट दैट पॉइंट. शुक्राचार्य ने कहा, अब ये इंसिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि शुक्राचार्य कौन है, गुरु है. और बलि महाराज अपने गुरु की बात नहीं मानेंगे. और ये इंसिडेंस इसीलिए कोट किया जाता है कि अगर गुरु भी गलत है तो उनकी बात नहीं माननी चाहिए. उसके लिए थोड़ा इंटेलिजेंट होना पड़ता है, मतलब क्योंकि ये करना मतलब थोड़ा मुश्किल है. बट अगर आप नॉलेज में तो आप समझ जाओगे, अगर वो गलत है तो मत मानो. शुक्राचार्य ने कहा, हे विरोचन पुत्र, ये वामन रूपधारी ब्रह्मचारी साक्षात भगवान विष्णु है. ये कश्यप मुनि को अपना पिता और अदिति को अपनी माता स्वीकार करके देवताओं का हित साधने के लिए प्रकट हुए. जस्ट ओपनली सेड, तुम ये नहीं जान पा रहे कि इन्हें भूमि देने का वचन देकर तुमने कैसी घातक स्थिति अंगीकार कर ली है. मेरी समझ में वचन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इससे असुरों को भारी क्षति होगी. यह व्यक्ति जो ऊपर से ब्रह्मचारी लग रहा है, ऐसे कैसे बोल रहे हैं, जस्ट चेंज टोन, अभी तो विष्णु कह रहे थे. यह व्यक्ति जो ऊपर से ब्रह्मचारी लग रहा है, वास्तव में भगवान हरि है. तुम्हारी सारी भूमि, संपत्ति, सौंदर्य, शक्ति, यश तथा विद्या लेने के लिए इस रूप में आया है. यह तुम्हारा सर्वस्व छीनकर तुम्हारे शत्रु इंद्र को दे देगा. सो विश्वाचक्री ठाकुर ने इस प्रसंग में बताया है कि हरि शब्द में मतलब होता है छीन लेने वाला. इस श्लोक में हरि की बात हो रही है, हरि जो सब कुछ हर लेते हैं और अच्छे के लिए हरते हैं. मृत्यु भी हरती है, मृत्यु सर्वशरस्सहम,
मृत्यु हरती है और हरी भी हरती है, मगर फर्क है। मृत्यु जब हरती है तो अकल्याण होता है, दुख होता है, जब हरी हरते हैं तो एंड में सुखी मिलता है। भगवान सब कुछ हर के अपने चरण दान कर देते हैं, भक्ति देते हैं। बलि महाराज के ऐसे ही किया, सब कुछ हर लिया मगर अपनी भक्ति उनको प्रदान कर दी। तुमने इन्हें दान में तीन पग भूमि देने का वचन दिया, किंतु जब तुम इसे दे दोगे तो वह तीनों लोकों में अधिकार जमा लेगा। शुक्राचार्य समझ गए, तुम निपट मूर्ख हो, तुम नहीं जानते कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है। भगवान विष्णु को सर्वस्व दान देने पर तुम्हारे पास जीविका का कोई साधन नहीं रहेगा, तब तुम कैसे जियोगे। शुक्राचार्य थोड़ी प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारे हमारे रिश्तेदार करते हैं, देखो तुम ज्यादा ही भक्ति कर रहे हो थोड़ा टाइम लगाओ पढ़ाई में और पैसे कमाने में, वरना जीवन कैसे जियोगे। नहीं, यही कहते हैं, इट्स द सेम थिंग, ही सेइंग सेम थिंग, तुम जीवन कैसे जियोगे, तुम सब कुछ दे दोगे तो। सर्वप्रथम वामन देव एक पग से तीनों लोकों को घेर लेंगे, तत्पश्चात दूसरे पग भरेंगे और भाई आकाश की प्रत्येक वस्ती को ले लेंगे। तब वे अपने विश्व रूप का विस्तार करके सर्वस्व पर अधिकार जमा लेंगे। तब तुम उन्हें तीसरा पग रखने के लिए कहां स्थान दोगे। शुक्राचार्य कुड सी वाइज डिवाइन, भगवान के प्लान को पहले ही समझ गए तो वो कैसे समझ गए, वो तो असुर के गुरु है, ब्राह्मण। शुक्राचार्य पहले देवताओं के गुरु थे, वायदावे ब्राह्मण थे और वो देव है एक्चुअली। बृहस्पति और शुक्राचार्य फ्रेंड्स थे, स्कूल क्लासमेट्स, बट फिर उनकी लड़ाई हो गई कुछ वहां ऊपर, और फिर शुक्राचार्य ने फिर प्रण लिया कि मैं देवताओं को नष्ट कर दूंगा, तो जाके फिर असुरों के गुरु बन गए। उन्होंने कहा मैं उनको गाइड करूंगा। सो ही वॉज अ पावरफुल पर्सन, उन्होंने अपने डिवाइन विजन से, अपने दिव्य दृष्टि से भगवान के प्लान को पहले ही समझ गए। वेल, शुक्राचार्य बलि महाराज को बताना चाह रहे थे कि वे भगवान वामन द्वारा ठगे जाएंगे, मगर शुक्राचार्य को पता नहीं था कि भगवान अपने भक्त की किस तरह रक्षा करते हैं। बलि महाराज तो भक्त है ना तो इस छल में उन्होंने देवताओं का भी कल्याण कर दिया और बलि महाराज का भी। अभी आएगा आगे। तुम निश्चित रूप से अपना वचन पूरा करने में असमर्थ हो गए, और मैं सोचता हूं कि अपनी इस असमर्थता के कारण तुम्हें नर्क में शाश्वत निवास करना पड़ेगा। शुक्राचार्य एक लॉजिक लेके आए, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मत दो, तुम अपना वचन तोड़ दो, उन्होंने कहा तुम्हारा वचन टूट जाएगा इसको देने से। एक्चुअली लॉजिक बिल्कुल उल्टा कर दिया, क्योंकि कोई भी क्षत्रिय कोई भी राजा होता है, स्पेशली बलि महाराज जैसे, और जो कि बहुत सत्यवादी हैं, दानी हैं, वो ये नहीं देख सकते कि उनका वचन टूट जाए। राम भगवान ने भी ऐसे किया, दशरथ जी वचन ही तो नहीं तोड़ा था, तभी तो वनवास हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई, शुक्राचार्य ने सोचा अगर मैं इसको बोलूंगा कि तुम वचन तोड़ दो तो फिर तो उल्टा ही हो जाएगा, मुझे रिजेक्ट कर देगा। तो शुक्राचार्य ने लॉजिक दिया कि अगर तुम इसको लैंड दोगे तो तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाओगे, और फिर क्या करोगे तुम, दिस इज इंटेलिजेंस नहीं, यू इंटेलिजेंटली। तो इसलिए कभी भी कुछ बोलना हो ना किसी को, तो प्रॉपर लॉजिक देना चाहिए। आप उल्टे फुलटे लॉजिक दोगे तो कोई कन्विंस, दिस इज अ वेरी गुड लॉजिक। बलि महाराज सोचने पे एक्चुअली मजबूर हो जाएंगे इस लॉजिक से। विद्वान व्यक्ति उस दान की सराहना नहीं करते जिससे किसी की अपनी ही जीविका खतरे में पड़ जाए। दान यज्ञ तब सकाम कर्म वही कर सकता है जो अपनी जीविका कमाने में पूर्ण सक्षम हो, जो अपना भरण पोषण न कर सके उसके लिए कार्य असंभव है। अतएव जो ज्ञानी है उसे चाहिए कि अपने संचित धन को 5 भागों में विभाजित कर दे। ये भी अच्छी एक शुक्र नीति भी होती है शास्त्र, जैसे चाणक्य नीति है, शुक्राचार्य नीति भी आती है। तो वो कह रहे हैं कि धन को 5 हिस्सों में डिवाइड करके रखो हमेशा, गृहस्थों के लिए एक एक हिस्सा है, धर्म के लिए एक हिस्सा, यश के लिए मतलब स्टेटस सोसाइटी में एक हिस्सा, ऐश्वर्य के लिए, ऐश्वर्य मतलब प्रैक्टिकली है, चौथा हिस्सा इंद्र तृप्ति के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। एक्चुअली हाँ, ऐश्वर्य मतलब टूरिज्म, घूमने घामने के लिए, आपको कभी इंग्लैंड जाना है, कहीं घूमने जाना है शिमला, तो थोड़े पैसे तो होने चाहिए, नहीं
आई कैन थिंक लाइक दैट, एंटरटेनमेंट. चौथा इंद्रिय तृप्ति मतलब अपनी जीवन की जरूरत है. और पांचवा है कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए, रिलेटिव्स के लिए. सो अपनी सैलरी आप 5 parts में डिवाइड कर दो. तो ऐसा व्यक्ति इस लोक में तथा परलोक में भी सुखी रहता है. एंड दैट्स हाउ इट गोस. कोई ये तर्क कर सकता है कि क्योंकि तुमने पहले ही वचन दे दिया अतएव कैसे मना कर सकते हो. ये कहेगा, हे सुश्रेष्ठ तुम मुझसे श्रुति का साक्षात कर ले सकते हो जो ये कहती है कि ये वचन सत्य है. जिसके आरंभ में ओम हो वह असत्य है. जो ओम से प्रारंभ ना हो, क्या है जो भी स्टेटमेंट ओम से शुरू होता है वो सत्य है, जो ओम से शुरू ना हो वो असत्य. अब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं. वेदों का आदेश है कि शरीर रूपी वृक्ष का वास्तविक परिणाम तो इससे मिलने वाले उत्तम फल तथा फूल से है. तो कह रहे हैं कि भी वो लॉजिक दे रहे हैं कि भी चलो ठीक है, इस एक वृक्ष है, वृक्ष का यूज कब है, जब उससे फल फूल मिले, है नहीं, फल फूल ही मिले तो वृक्ष का फायदा क्या. तुमने दान दे दिया, अगर दान देने का तुम ही जिंदा नहीं रहोगे तो उस दान का फायदा क्या. दैट लॉजिक. तो कह रहे हैं शास्त्रों में कहा ऐसा दान नहीं देना चाहिए. उस दान को नहीं तोड़ने में, अगर बोलने के बाद तुम नहीं देना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई पाप नहीं लगता. जड़ समेत उखाड़ने पर वृक्ष तुरंत गिर जाता है और सूखने लगता है. इसी प्रकार यदि कोई शरीर की परवाह नहीं करता जो असत्य माना जाता है, और यदि इस असत्य का उन्मूलन कर दिया जाए तो यह शरीर निश्चय ही सूख जाता है. वेल, शुक्राचार्य अपना लॉजिक दे रहे हैं. He is giving his logic. मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं. आई एम नॉट जस्ट ओके. ओह दिस इज इंटरेस्टिंग. शुक्राचार्य और अच्छे लॉजिक्स दे रहे हैं, सीख सकते हो. अतएव सुरक्षित उपाय है कि नहीं कह दिया जाए. कह रहे कंक्लूजन ये कि तुम मना कर दो बस. यद्यपि यह सत्यता है, यद्यपि यह सत्य नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, अब तुमने तोड़ दिया अपना प्रॉमिस, किंतु इससे पूरी रक्षा हो जाती है. इससे अपने प्रति दूसरों की सहानुभूति भी मिलती है और अपने लिए अन्यों से धन एकत्र करने में पूरी सुविधा मिलती है. उन्होंने कहा तुम मना कर दो, तुम्हारा धन भी रहेगा, यश भी रहेगा, तुम्हारा राज्य भी नहीं जाएगा, सब ठीक रहेगा, मना कर दो, क्या प्रॉब्लम है. और अगर तुम मना नहीं करते तब भी तुम्हारा वचन टूटेगा, क्योंकि वो दो पग में ले लेंगे, ये तीसरा पग कैसे दोगे. तो दोनों ही केस में मना करना अच्छा है. फिर भी यदि कोई सदा ही यही कहे कि उसके पास कुछ नहीं है तो उसकी निंदा होती है, क्योंकि वे जीवित रहकर भी मृत है और उसे जीवित ही मार डालना चाहिए. अगर तुम सब कुछ दे दोगे और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा और फिर भी तुम कहोगे ठीक है मैं मरूंगा नहीं, मैं अपने जीवन पालन कर लूंगा, तो उन्होंने कहा फिर भी तुम बेवकूफ हो, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता तो वो तो मरे से भी बदतर है. तुम्हारा सब कुछ था और अब कुछ भी नहीं है तो तुम तो मरे से भी बदतर हो जाओगे. शुक्राचार्य ने अपने लॉजिक दिए. शुक्राचार्य एक्चुअली थोड़ी मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी कह रहे हैं, नहीं भौतिक सिद्धांत जैसे हम और लोग कहते हैं वैसी बात कर रहे हैं. और कह रहे हैं किसी स्त्री को अपने वश में लाने के लिए चिकनी चौपड़ी बातें करने में, हास परिहास में, विवाह उत्सव में, अपनी जीविका कमाने में, प्राणों का संकट उपस्थित होने पर, गायों तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने या शत्रु के हाथों से किसी व्यक्ति की रक्षा करने में असत्य भाषण भी कभी निंदनीय नहीं माना जाता. इन कंडीशंस में आप झूठ बोल सकते हो. स्त्री को वश में लाना है तो झूठ बोल सकते हो आप. दैट्स इंटरेस्टिंग. नहीं मतलब यू कैन स्पीक लाइस, उसमें कोई खराबी नहीं है. मतलब ये तो चलो आप सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, हस्बैंड वाइफ में भी होता है. कभी वाइफ गुस्सा हो गई तो हस्बैंड उसको मनाने के लिए कुछ भी बोल देगा, हाँ शॉपिंग करा देंगे तुझे, साड़ी खरीदा देंगे, वो जो कुछ हो जाएगा, खुश हो जाएगी, फिर हो गया, चलो सिस्टम चल रहा है. सो इट हैपन्स लाइक दैट. सो यू हैव टू स्पीक. उसमें झूठ तो इन कंडीशन झूठ बोल सकते हो. दिस इज इंटरेस्टिंग. तो कभी कभी इसी शास्त्रों के अनुसार ही कभी कभी झूठ भी पाप नहीं है. सो ऐसे करने में हंसी मजाक में झूठ बोलना पाप नहीं है, फ्रेंड्स के बीच में जो कर रहे हो पाप नहीं है. विवाह उत्सव में मतलब विवाह करने के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है. विवाह उत्सव में एक्चुअली विवाह उत्सव क्या है, मैरिज में मजाक.
हम हंसी में या विवाह में, विवाह में हंसी मजाक जो होता है मैरिज में, हाँ हाँ मतलब मैरिड लाइफ में, मैरिड लाइफ में शायद पता नहीं सेरेमनी में कहाँ होता है, झूठ कौन, अच्छा हंसी में, अच्छा अच्छा सब फंक्शन पे आ गया, विवाह में पता नहीं क्यों कह रहे हैं, विवाह में पता नहीं क्यों कह रहे हैं, सम रिसर्च इज रिक्वायर्ड, मुझे नहीं पता, अपनी जीविका कमाने में, अपनी जीविका कमाने में झूठ बोलना गलत नहीं है, ऐसे लॉयर्स बिजनेसमैन मैंने बताया झूठ बोलना ही पड़ता है, तो वो झूठ झूठ नहीं माना जाता, क्योंकि आपकी जीविका है क्या करोगे आप, उसमें झूठ झूठ नहीं है। क्या हो गया भाई आके सो जाओ सुचेतन, कोई नहीं ठीक है। डिवोटी के लिए भी, ग्रस्त के लिए, प्राणों का संकट उपस्थित होने में झूठ बोलना गलत नहीं है, गायों तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने के लिए झूठ बोलना गलत नहीं है, मतलब भगवान की सेवा के लिए झूठ बोलना गलत नहीं है, शत्रु के हाथों से किसी भी व्यक्ति की रक्षा करने के लिए भी झूठ बोलना गलत नहीं माना जाता, सो इन सब की चीजों में झूठ बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सोचना कि इन स्थितियों में भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा वो पाप है, उल्टा भी है, आप किसी की रक्षा कर सकते हो झूठ बोल के, और आप सोचो मैं सत्यवादी हूं मैं नहीं झूठ बोल सकता, वो सत्य बोलना पाप है उस टाइम, जैसे युधिष्ठिर महाराज नहीं, वहां ने बोला ना अश्वत्थामा मर गया, आने का मैं सत्यवादी हूं, उनको पाप लग गया, क्योंकि वहां पे झूठ बोलने से रक्षा हो रही थी, नहीं धर्म युद्ध हो रहा था, धर्म की रक्षा हो रही है, युधिष्ठिर महाराज ने मना कर दिया, सो इसलिए 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 दोनों चीजें होती हैं, कुछ स्थितियों में झूठ बोलना पड़ता है, अब बोलना चाहिए तो वो पाप नहीं है, और उन स्थितियों में झूठ ना बोलना, सत्य पेट के रहना, वो पाप है। सो धर्म कितना मुश्किल है, नहीं धर्म के लिए इसलिए शास्त्रों की ट्रेनिंग चाहिए, मगर फिर भी बलि महाराज अब क्या करेंगे, व्हाट ही विल डू, दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, उन्होंने तो शुक्राचार्य ने तरह से पूरे लॉजिक दे दिए कि तुम मना कर दो और अगर तुम दे भी दोगे तब भी तुम्हारा संकल्प पूरा नहीं होगा, तभी तुम्हारा बेकार हो गया, और झूठ बोलना कोई गलत भी नहीं है, देखो शास्त्रों से भी ठीक है, सो अगर हम होते तो क्या करते, मना कर देते, ये लॉजिकली तो सही लग रहा है शास्त्रों से, बट बलि महाराज ने ऐसा नहीं किया, बलि महाराज एक हायर धर्म जानते थे, ये सब तो सही है, तो शास्त्रों में कभी कुछ चीजें सही होती हैं मगर कुछ चीजें ज्यादा सही होती हैं, यू सी ऐसा भी होता है, कुछ चीजें गलत हैं, कुछ चीजें सही हैं, मगर कुछ चीजें ज्यादा सही हैं, हायर ट्रूथ्स होते हैं, सो बलि महाराज को वो पता है, और बलि महाराज अब ही डू समथिंग नाउ, ओके आई विल डिस्कस टुमारो, दिस चैप्टर इज ओवर नाउ, कल बताऊंगा मैं बलि महाराज ने क्या किया, अब बलि महाराज भी बताएंगे लॉजिक, सो यू सी धर्म कितना कॉम्प्लेक्स है, ओके कुछ पूछना कुछ कहना, आई स्टॉप हियर, समबडी हैज टू से समथिंग, तेज बोलना अक्षय, लाउडली बोलो ना, सुना नहीं, जैसे आप कह रहे थे कि अगर बहुत बड़ा बिजनेस है तो छोटा कर लो उसको, बाई चांस अगर उसने छोटा कर दिया और उसको लॉस हो गया तो फिर डिवोशन के लिए करा और लॉस हो गया, अब वो उसी को सेट करने में दोबारा लग गया डिवोशन में, तो भाई बाई चांस तो कुछ भी हो सकता है, वो तो रिस्की है ना, तो ऐसा कह लो बाई चांस हम दुकान जाते आते एक्सीडेंट हो जाए मर जाए तो कल से मत जाओ, ये तो ये क्या है, ये क्या है, बिजनेस कम हो गया, ये कुछ नहीं है, सेट करने में तो टाइम लगेगा, वो अब छोटी बुद्धि से सोच रहे, बिजनेस कम हो गया फिर सेट करने में टाइम लगेगा, फिर हो सकता कुछ और ही नया रास्ता खुल जाए, कुछ नहीं कह सकते हम, यही तो माया है, हो सकता है बिजनेस कम हो के कुछ और हो जाए, किसी की हेल्प आ जाए, कुछ हो जाए, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी, दुनिया में पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं इनकैलकुलेबल, ऐसे तो फिर आप कुछ भी सोचते रहो, वैसे ही लॉस पड़ जाए फिर क्या करेंगे, फिर क्या करोगे, तो अब तो डिवोशन के लिए कम कर रहे हैं ना, तब तो देखा तो कर रहे हैं, तो भगवान पे विश्वास रखो बस,
अगर विश्वास नहीं है तो भक्ति करने का फायदा नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो ना, दैट्स ऑल, भक्ति करो, मतलब बिजनेस कर लो, सिंपल सी बात है ना। नहीं सो ये विश्वास ही तो है, अब आप विश्वास का लॉजिक पूछोगे तो वो तो नहीं है ना मेरे पास, ये पॉइंट है ना। सो ठीक है, लॉजिकली हम सोच सकते हैं, ऐसे ब्रह्मचारियों का भी होता है नहीं कि भी हमने ज्वाइन कर लिया फिर हमने 5-6 साल बाद वापस गए, यही लॉजिक देते ना कि भी फिर तुम सेटल कैसे हो गए, ये हो गए, ऐसे ही कहते हैं ना सब लोग। तो फिर मतलब फिर तो कोई ब्रह्मचारी नहीं बनेगा, फिर तो फेथ नहीं है ना। सो इसलिए भगवान पे विश्वास करके हमें जो भगवान कह रहे हैं कर लेना चाहिए, फिर अपने आप चीजें हो जाती हैं। और मैंने देखा है प्रैक्टिकली जो सोच एक्चुअली जीवन यही है, जो सोचते हैं वो तो होता ही नहीं, जो जीवन जी उनको तो पता ही है नहीं, ऐसे ही होता ही नहीं होता, जो सोचते हैं कुछ और ही होता है, सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, होता कुछ और है। अभी आप बच्चे हो ना, अभी जीवन जियोगे पता लगेगा। ऐसे क्यों मैं सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या चीजें आती हैं भाई, ऐसा हो गया कुछ और प्लान होना है तो कुछ और ही हो गया, होता ऐसे ही है। सो हमें नहीं पता, मगर इसलिए ये लॉजिकली सही लगता है मगर डिवोशनली ठीक नहीं। अभी एग्जांपल दे तो है मम्मी पापा की, फिर वो भी तो यही सोच रहे थे, उनके केस में तो सही चल गया ना। अगर किसी के केस में सही नहीं चला तो क्या हो, क्या हो? ऐसे सोच के बैठ जाएंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं हो। क्या कह रहे हो? यशोदा मत्सर प्रभु ने भी एक बिजनेस बंद कर दिया, उनका भी अच्छा। आपने कर दिया बंद? एक किया, दो बिजनेस थे ना, एक कर दिया तो एक ठीक चला। हाँ तो देख लो फिर। सो है चीजें हैं, मैं वही मतलब ये तो सबके दिमाग में हो सकता है क्वेश्चन, बट ये रेलेवेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। दो में एक का भी नहीं आता था, एक करके मेरे को चार गुना आ रहा है, तो फिर देख लो। तो ऐसे ही है, बस ऐसे ही होता है। पीपल हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं मगर भगवान की कैलकुलेशन अलग होती है। पता है, एक मैं एग्जाम्पल आता हूँ, एक बहुत बड़े सेंट थे, सेंट जोन ऑफ आर्क थी, एक्चुअली फीमेल थी, सेंट जोन ऑफ आर्क क्रिश्चियन। सो उसको भगवान ने बोला कि तुम जाके, मतलब लेडी थी फीमेल, तो भगवान ने बोला कि तुम जाके फ्रांस के किंग से मिलो और उनसे बोलो ब्रिटिश पर अटैक कर दे और तुम लीड करना। उसने कहा मैं लड़की, मतलब 16 साल की लड़की, 19 साल की, मैं तो ना लड़ना आता, मतलब मैं थोड़े ना कोई लीड करूंगी। भगवान ने कहा तुम करो। यूसी मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि भगवान किसी से कुछ भी करा सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। तो वो गई किंग के पास और उसने किंग से कहा कि देखो भगवान ने मुझे भेजा है, आप मुझे अपनी पूरी आर्मी दे दो और मैं अटैक करूंगी इंग्लैंड। सब उसने कहा ये तो पागल औरत है, फिर उसको पकड़ लिया, उन्होंने कहा इसमें भूत घुसा हुआ है, ये पागल है, कुछ है, पता नहीं क्या है। तो फिर उसको एग्जामिन किया तो कुछ ऐसी इंडिकेशन आई तो वो कन्विंस हो गए, तो उन्होंने कहा ठीक है दे दी उसको बटालियन। अब उसको आता ही नहीं कुछ और वो लीडर वहां तलवार लेके, तलवार उसने मंगवा ली अपनी और अपना पहन लिया सब कुछ। तो जितने भी उसके मतलब जो 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 किंग के जो मेन जनरल्स थे, किंग ने कहा तुम इसको फॉलो करोगे। तो जब आधे रास्ते पहुंचे तो जो जो सारे लोग थे उन्होंने कहा भाई ये मरवाएगी, ये तो मतलब उनको कन्विक्शन ही नहीं आ रही कि लड़की मतलब इसके कैसे हम फॉलो कर लें। तो उन्होंने प्लान बनाया कुछ अटैक करने का, उन्होंने कहा हम प्लान बना लेते हैं, इसको ऐसे हम रखे रहते हैं, ये पता नहीं क्या कह रही है। तो सुबह सुबह उठ के आई है और इसने बोला कि भगवान ने मुझे कहा है कि हम अटैक करेंगे आज ही, अभी अभी करना है अटैक। तो उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता, अभी कैसे अटैक कर दें, हमारी प्लानिंग चाहिए। उन्होंने कहा, तो उसने कहा, उसने पता क्या बोला, उसने बोला कि तुम अपनी प्लानिंग कर रहे हो और भगवान अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, बोलो कौन सही है। उनके पसीने छूट गए, उन्होंने कहा अगर वो सही निकली तो हम गए। तो उन्होंने कहा ठीक है बताओ। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि भगवान ने बोला है कि तुम अभी जाकर जो गेट नहीं है, गेट मेन गेट, वहीं जाके अटैक कर दो। तो उन्होंने कहा ये तो इम्पॉसिबल है, वॉर आप सामने छोड़ो ना, अटैक करोगे एनिमी को, छुपके करोगे ना पीछे से, और ब्रिटिश बहुत स्ट्रांग थे, फ्रांस तो बहुत वीक था। उन्होंने कहा हम सब मारे जाएंगे। तो मैं पॉइंट बता रहा हूँ इलॉजिकल की, सब कुछ इलॉजिकल चल रहा है। तो उन्होंने कहा हम तेरी बात तो मानेंगे नहीं, तो पहले पर लड़की है, फ्रेंकली बता रहे हैं, लड़की का थोड़े ना मानेंगे हम।
तो उसने उसने कहा मैं लड़की हूँ तो तुम इसलिए नहीं मान रहे, तो उसने अपने बाल बाल काट लिए और उसने कहा कि अब उसने कहा कि अब मैं नहीं कह रही हूँ, भगवान कह रहे हैं, और तुम्हें अगर भगवान कह रहे हैं अगर तुमने अभी अटैक किया तो कल सुबह तक तुम्हारे पास वो राज्य होगा देखना। और वहाँ पे उनके पास फोर्स थी, उनके पास कम से कम 30,000 लोग थे और ये 3,000 थे सिर्फ। उन्होंने कहा भाई ये तो मरवाएगी, उन्होंने कहा चलो यही कह रही है क्या करें। सो भगवान की बातें लॉजिकल लगती है मगर विश्वास होता है। तो उसने किया, वो गए सामने से अटैक किया और ऑफ कोर्स हारने लगे, मतलब मरने लगे, सामने से क्या अटैक करेंगे, उनके पास तो मिसाइल्स और ये। तो फिर उसने पीछे से कुछ, उसने कहा भगवान ने बोला है कि तुम लोग क्या करो, गेट पे गेट कुछ एक लंबा सा कुछ होता है जैसे स्टेयर्स नहीं होती स्टेयर्स, तुम ले जाओ और गेट पे फेंक दो और आग जला दो। तो उन्हें ऐसे कि आग जला दी, वो गेट वेट गिर गया, अंदर गए और शाम तक युद्ध जीत गए। और फिर उसके बाद वो 19 साल तक कमांडर रही और उसने पूरे फ्रांस ब्रिटिश को खदेड़ दिया। ये हिस्ट्री है, मैं मजाक नहीं कर रहा, हिस्ट्री है, जाके पढ़ लो, सेंट जोन ऑफ आर्क हिस्ट्री, अभी 15 सेंचुरी में हुआ है, तो सेंट है वो। 19 साल में उसने सबको हरा दिया, एक लड़की ने जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा भी होता है। सो दैट्स हाउ इट गोज। सो अगर वो हो जाए, अगर वो हो जाए, वो फिर नहीं सोचना चाहिए। नहीं, अगर पहले से ही संशय होगा तो कुछ नहीं होगा, ये भी होता है। और अगर हो भी जाए तो फिर भगवान की कृपा से फिर कुछ कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, उसमें क्या है। न मे भक्ता प्रणश्यति, कृष्णा के ने प्रॉमिस क्या किया, मेरे भक्त का प्रणश्यति कैसे कहेंगे, माय डिवोट इज नेवर डिस्ट्रॉयड, मेरे भक्त कभी नाश नहीं होगा। अगर मान लीजिए बिजनेस चलाया, उसको लॉस हो गया, तो आप कह रहे हो फिर से उसको करने में टाइम लगेगा, भगवान कुछ रास्ता निकाल देंगे, कुछ कर देंगे। सो इस प्रकार चलता है। इट्स अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बट देयर इज दिस आंसर। ओके, कुछ कहना है अदरवाइज वी विल जस्ट स्टॉप हियर, आई कांट स्पीक मच। ओके, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।